सुनिए उन्होंने क्या कहा था सीबीआई को। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनकी सरकार के खिलाफ चल रही सारी साजिशों का सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। सुनिए। आए दिन इस सरकार को तबाह करने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रही है और षड्यंत्रों का नियम का सबसे बड़ा बाजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुना। तो अब प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि जो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, जो उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के लिए, उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के सबसे बड़े औजार के रूप में सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था सीबीआई सरकार का तोता बन गया है। और आज उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जब से सीबीआई का गठन हुआ तब से लेकर आज तक एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, एक उदाहरण जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया गया। यह काम कब हुआ? यह काम हुआ 2018 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा जी, उनके पास राफेल की जांच चल रही थी, राफेल की फाइल उनके पास थी, राफेल के मामले में वो शुरुआत कर सकते थे जांच की, और इसी के कारण उनको जबरन नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर सीबीआई का दफ्तर सील करके उनको वहां से निकाल के बाहर किया गया, हटाया गया, और आज तक मुझे जो जानकारी है उनके पेंशन की मंजूरी नहीं हुई। आप बात कर रहे हैं सीबीआई की निष्पक्षता की? आप बात कर रहे हैं सीबीआई के कसीदे पढ़ रहे हैं आप? अरे आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया, आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर को जबरन हटा दिया, आपने तो आज तक उसकी पेंशन की मंजूरी नहीं होने दी, आपने तो सीबीआई को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाए, और आज जब वही सीबीआई आपके इशारे पर नाचने लगी, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में डालने लगी, तो सीबीआई आपके लिए अच्छी हो जाती है? कह रहे हैं काले धन के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई की ललित मोदी के खिलाफ, कार्रवाई की 20,000 करोड़ रुपए लेके मेहुल चौकसी और नीरव मोदी भाग गए, कार्रवाई की 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, कार्रवाई की नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। काले धन के खिलाफ क्या कार्रवाई की सीबीआई ने? नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी ने मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अपनी कंपनियों में हिंदुस्तान के अंदर लगाया, कोई कार्रवाई की सीबीआई ने? सीबीआई ने किस पे कार्रवाई की? फर्जी मामले बनाकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सरकारों को गिराने, डराने, धमकाने और पकड़ पकड़ के जेल में डालने की कार्रवाई सीबीआई ने की, जो दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है और बाकी दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है।